हेलो, हेलो कुकी, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? ओ हाँ शुभ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, फ्लाइट अनाउंसमेंट हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, बाय। कॉलिंग, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो यहाँ हो? अभी वो मजीद कुछ सोचता, इसकी फ्लाइट अनाउंसमेंट दोबारा हो गई और उसे जाना पड़ा। कुछ मैम, कुरियर इतना प्यारा है ना, बहुत एक्साइटेड होकर कहने लगी। ताई पागल, ये बस एयरपोर्ट है। इसने हंसते हुए ताई के सर पे एक चेप लगाई। चलो बाहर भेजे, देखिए तेरा कुरियर कैसा है। वो दोनों बाहर आए तो सैम ड्राइवर के हाथों में अपने नेमप्लेट देख कर इसके सामने आ गई। कार में बैठे हुए ताई ने जिमिन से कहा, यह क्या हो जाता अगर शुगर पे आ जाते रहने तो? ये सुनते जिमिन का मूड ऑफ हो गया। फिर ताई को अपनी गलती का एहसास हुआ। जो भी है, इसे जिमिन को ऐसे फील नहीं करवाना चाहिए था। फिर ताई ने जिमिन को बैग हग किया और उसे बाहर की चीज़ें दिखाने लगी। थोड़ी देर में जिमिन नॉर्मल हो गई थी। 20 मिनट बाद कार एक बहुत खूबसूरत मेंशन के बाहर रुकी। मैम, समय अंदर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोल कर इन्हें अंदर जाने का इशारा किया। वो फ्लाइट में बाजार से बैठा था। इसका भी बहुत बेचैन था। ऐसा नहीं था कि आज से पहले वो कोरिया से बाहर नहीं गया, बल्कि इटली वाली मीटिंग इसने खुद चूज की थी, क्योंकि वो कुछ देर कोरिया से बाहर जाना चाहता था। पर जैसे जैसे प्लेन कोरिया के दूध से बाहर निकल रहा था, चंको को लग रहा था जैसे कोई इसका दिल इसके सीने से निकाल रहा है। पर ऐसा क्यों था, वही बात ही समझ नहीं पा रहा था। सारी सोचों को साइड पर कर तेज से अपने बालों में हाथ चलाए और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। आगे मेरे बच्चे, इसने फौरन दोनों को आगे बैठकर गले से लगाया। कैसे हो तुम दोनों, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हम ठीक हैं, दोनों ने खुशी से एक साथ जवाब दिया। चेन्नई आई तुम्हारे साथ? जी, वो जेन आंटी जैक्सन थे के साथ आएंगी। जेन का सुन वो कुछ सोचते ताई की अगली बात पर इनको भी साख्ता सी आई, जिसे अगले ही लम्बे वो छुपा गए। अच्छा तुम दोनों रेस्ट करो, आप रात को खाने पे मिलते हैं। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चले गए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कब तक जैक्सन को भाई बोलती रहोगी? जिन्होंने गुस्से से घूरते हुए कहा। यार तुम्हें पता तो है मैं इन्हें भाई समझती हूँ, और जब तक हमारे बीच कोई और रिश्ता ना हो वो मेरे भाई रहेंगे। अभी जब मैंने ऐसे कुछ कहती, एक मेड ने इनकी तरफ आकर इन्हें रूम की तरफ चलने का कहा। जमीन का मूड बुरी तरह ऑफ था। जिससे मिलने की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी वो दुश्मन जहाँ तो इतना सैनिक कहाँ छुप कर बैठ गया था। तेरे से जब जमीन की कंडीशन देखी नहीं गई तो उसने खुद ही पूछ लिया, क्योंकि इतना तो वो भी समझ चुकी थी कि इसकी बेस्टी का मूड क्यों खराब है। अंकल, शुगा भाई नजर नहीं आया सुबह से। हाँ बेटा, वो शुगा एक अपॉइंटमेंट की वजह से लेट हो गया है। मेरी बात हुई है इससे, कुछ देर तक आ जाएगा। आप लोग खाना ठीक से खाओ। टाइम स्किप। शुगर घर में एंटर हुआ तो सामने वो दोनों बैठे टीवी देखकर प्रीवियस कंसर्ट पर कोई डिस्कशन कर रही थी। तभी दोनों को आइडिया ना हुआ, कोई तीसरा बहुत दिलचस्पी से इनकी बातें सुन रहा है। यार लाइफ में बस एक बार लाइव कंसर्ट देखना है मुझे, और जोर से कहना है यूमी मैरी मी, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुस्कुराते हुए शुगर को अपने अंदर तक उतरती हुई महसूस हुई, पर इसकी अगली बात पर इसके माथे पर बेशुमार बल पड़े। यार पर मुझे तो जेक पसंद है, देख कितना हैंडसम है ना। और मेरी बहन को मैं कैसा लगता हूँ, इसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए ताई से कहा, पर नजरें अभी तक जीवन पर थी। शुगा, आई मिस यू सो मच, इसने शुगा को हग करते हुए कहा। आई मिस यू टू माई लिटिल गर्ल, नजरें अभी भी जीवन पर थी, न जाने जमीन में क्या तलाश करी थी। उपा आए ना हमारे साथ बैठे, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, तुम लोग इंजॉय करो अपना कंसर्ट। नमूने कहीं के मेरी वाली को भी नहीं छोड़ा इन्होंने तो। वो दिल में सोचता अपने रूम में आ गया। मोहतरमा कहती, यूंगी मैरी मी, इन्हें तो मैं बताऊंगा ना। सोचा भी कैसे ये वक्त इन्होंने के सर के बारे में कहने का। मोमो बना बना कर इसकी नकल तो कर रहा था। जेमिन, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। 4 साल डैमिट, 4 साल से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, मोहब्बत में इश्क करता हूँ तुमसे। मेरे सबर का और इम्तिहान ना लेना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और ये तुम्हारे BTS, इनका भूत तो तुम्हारे सर से उतरवा करूँगा। बढ़िया यूंगी मैरी मी कहने वाली। वो ख्यालों में जेमिन से ऐसे बातें कर रहा था जैसे जेमिन के सामने हो। अदर साइड जोंगकॉक, आफ्टर टेकिंग टेडी नार फ्लाइट कोरिया टू इटली सेफली लैंडेड। जोंगकॉक एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था जब एक लड़की बेगानी में से टकराई। व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड? इस वजह से जोंगकॉक का मोबाइल नीचे गिर गया और वो गुस्से से घुराया। हे डार्लिंग, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? या आई एम ओके, पर मेरी वजह से इनका मोबाइल, कहती कहती वो इधर उधर देखने लगी पर जोंगकॉक वहां से जा चुका था। जोंगकॉक को गुस्सा तो बहुत आया था, पर इनके हाथ में हनीमून की चेन देख वो समझ गया था कि कपल अपना हनीमून एंजॉय करने आया है।
तो बगैर कुछ बोले वहां से निकल गया। अदर सर्विमन, वो जब से रूम में आई थी तब से ना जाने को वो शोका के बारे में ही सोच रही थी। एक बार मुझसे बात नहीं की, कहने में पसंद नहीं हूँ, बहुत से अजीब अजीब वसवसे इसके ख्यालों में आ रहे थे जब ताई दरवाजा खोलकर अंदर आई। क्या हुआ जानेमन, किसके ख्यालों में कही हो, ताई ने सब छेड़ते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? कुछ नहीं, बस वैसे ही, मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। क्या हुआ है? सीक्रेट बात है, आराम से कान में सुनाऊंगी। मैं इसके करीब होकर इसके कान में चीख कर सो जा चुड़ैल, ये कहकर ताई रूम से भागी तो जमीन भी इसके पीछे भागी। पर इससे पहले जमीन ताई को पकड़ती एक दीवार से टकरा कर नीचे गिरने ही लगी थी, तभी इसे अपने कमर पर किसी के मजबूत हाथ महसूस हुए। उफ मेरा सर, पर एक मिनट, यहाँ कोई दीवार तो नहीं थी? इसने आंखें खोलकर ऊपर देखा तो शुगर को अपने अपने करीब देख शिकार फाड़। सो गाइस, ये थी आपकी आज की वीडियो, कंजूस लाइक ही कर दिया करो वीडियो को और मुझे कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।